ये एब्रॉन की मॉलिक्यूलर रिसर्च माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले आपको इसको थर्मोकोल के बॉक्स में से निकालना है, ये पैकिंग का सेक्शन अलग करना है और ये पैकिंग यहाँ से हटा देनी है। इसके पार्ट्स समझ लेते हैं पहले। ये माइक्रोस्कोप, ये कंप्यूटराइज वायर वाला अडेप्टर है, ऑन ऑफ स्विच है जो LED लाइट को दिखाता है, कोएक्सियल ये फोकसिंग है, एक इस कोर्स फोकसिंग है, एक ये वाली कोर्स फोकसिंग है, ये स्लो मोशन फोकसिंग है। इसी तरह से इसके अंदर कोएक्सियल ये है स्टेज, मैकेनिकल स्टेज, ये एक मूवमेंट के लिए और इसी लीवर से ये लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट के लिए। ये आपकी लाइट की एडजस्टमेंट है, इंटेंसिटी कंट्रोल लाइट है। यहाँ पे एक ये फिल्टर है, एक आयरिस डायफ्राम है, ये फिल्टर, ये आयरिस डायफ्राम, और ये कंडेंसर मूव करने के लिए यहाँ से ये दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी कोई भी स्लाइड आपने फोकस करनी है तो स्लाइड यहाँ पे रखी और मैनुअली उसको चेक करते हुए हमने सेंटर में ले आने, यहाँ से आ गई। यहाँ पे चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, यह पहला 4 या 5x, 10x और TX और 100x। सबसे पहले सबसे कम पे हम फोकस करते हैं, 10 या 4x के ऊपर। हेड आपके पास जो पहुँचेगा ये अलग से पैकिंग हुआ हुआ है और इसको यहाँ से निकाल के लगाना है। एक ये इसमें से स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं, ये हो जाता है। इसको हम फ्रंट यूज़ में भी ले सकते हैं और बैक यूज़ में भी ले सकते हैं। फोकस करने के लिए इस आँख से आपने देख के फोकस करना है सबसे पहले, उसके बाद अपनी आँखों को हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों के एडजस्टमेंट के लिए है कि आँख का डिस्टेंस किसी का कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद ये आपको एक फोकसिंग यहाँ दिखाई दे रही है और इसको सेकंड हमने इससे फोकस करना है। आपकी दोनों आँखों में कई बार डिफरेंस हो सकता था, ये उसके लिए डायप्टर एडजस्टमेंट है। फोकसिंग करने के लिए आपका आ गया सिस्टम, आ गया कंडेंसर एडजस्टमेंट करते हैं ताकि सबसे ज़्यादा क्लियरिटी दिखाई दे। ये एडजस्टमेंट हम मूवमेंट इसके नीचे से कंडेंसर की मूवमेंट हो रही है और इससे हम करते हैं ताकि लाइट एडजस्ट हो जाए वाइट लाइट करने के लिए। ऑल्दो इसमें वाइट लाइट पहले ही आएगी LED में हमारी, और इसकी कोई भी डिटेल चाहिए तो आप हमें एब्रॉन की वेबसाइट के ऊपर प्लीज़ विजिट, आप मेरे ईमेल लिखिए। थैंक यू वेरी मच।